महा कार्टून टीवी। ये हे यारो, मजा आ गया। आज तो हमने खूब एंजॉय किया, पर अब बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। मैं पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ, अब अगर मेन रोड से गया तो घर पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। एक काम करता हूँ, चमचांद वाले शॉर्टकट रास्ते से निकल जाता हूँ। बादी ऑल नाइट। ये औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है? हो सकता है वो भी किसी पार्टी से लौट रही होगी। मुझे क्या लेना देना। क्या तू शमशान के रास्ते से आया है? हाँ, कभी कभी आता हूँ जब देर हो रही होती है। तो क्या हुआ? कहते हैं देर रात शमशान घाट के पास नहीं जाना चाहिए, उस समय वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज रात में लेट आऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन शमशान घाट के रास्ते से मत आना। ऑल राइट ब्रदर। अरे यार, मैं पार्टी में आ रहा हूँ। ब्रदर्स, पार्टी में मजा आ गया, पर अब बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। ओह गॉड, आज भी देर हो गई, फिर से शमशान वाले रास्ते से ही निकल जाता हूँ। ये औरत आज फिर से बीच सड़क पर खड़ी है। चलो आज बात कर ही लेता हूँ। एक्सक्यूज मी मिस, आप कौन हैं? अरे आपको क्या हुआ है? मैं रास्ता भूल गई हूँ, क्या मुझे आगे तक छोड़ दोगे? हाँ क्यों नहीं, बैठ जाइए। जहाँ आपको उतरना होगा वहाँ मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आगे वो मंदिर से पहले उतार देना। ऑल राइट। व्हाट, वो बाइक से उतर गए, लेकिन मुझे तो उनके उतरने का एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा लगता है मानो उनमें कोई वजन ही नहीं था। सनी, उठ जा, सुबह हो गई है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? भाई कुछ देर सोने दो ना। दिन के 12 बज गए, तेरा ऑफिस भी छूट गया, अब तो उठ जा। क्या हुआ तुझे, रो क्यों रहा है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। जब से तू शमशान के रास्ते से आने जाने लगा है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा है। मुझे तो तेरे ऊपर किसी भूत प्रेत का शक हो रहा है। आज ही मैं तांत्रिक जी से बात करता हूँ। महाराज, मेरा भाई पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा है, मुझे तो उस पर किसी भूत प्रेत के साये का शक है। ठीक है, आज ही रात मैं कुछ करता हूँ। ठीक है तांत्रिक जी। सनी कहाँ है? पता नहीं, पर वो अभी घर में नहीं है। ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ। वो जरूर शमशान के पास ही गया होगा। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो शमशान में रहता है तुम्हारा दोस्त? अभी बताता हूँ तेरे दोस्त को। ओम ह्रीं क्रीं ब्लीं भूत प्रेत चुड़ैलाय नमः। कौन है
जो इस बालक को परेशान कर रहा है। बाहर निकल, नहीं तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। कौन है तू? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। उन लड़कों को परेशान क्यों कर रही है? मैं लड़कों को अपने वश में करके अपनी फौज बनाकर रानी बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन अब तू उन लड़कों को भूल जा और आज के बाद कभी उन्हें परेशान मत करना, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वो चुड़ैल अब सनी को कभी परेशान नहीं करेगी। सनी को एक चुड़ैल परेशान कर रही थी। तांत्रिक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन मैंने सनी को एक ताबीज दे दिया है, अब वो सनी को परेशान नहीं करेगी। अच्छा, फिर तो ठीक है। तांत्रिक जी, आपने मेरे भाई को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसके दोस्त गौरव और सुनील भी वैसी ही हरकतें करने लग गए हैं जैसी सनी किया करता था। मुझे तो लगता है उनके ऊपर भी कोई भूत प्रेत का चक्कर है। पिछले कुछ दिनों से कई लोगों ने उस चुड़ैल के बारे में शिकायत की है। उसे तंत्र विद्या से मारना मुश्किल है, और अब मुझे उसे खत्म करने के लिए कुछ और तरकीब निकालनी होगी। मैं सोच कर कल सुबह बताता हूँ तुम्हें। निखिल, मैंने एक योजना बनाई है, तुम्हें उसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है। तुम एक काम करो, तुम मुझे रात को शमशान घाट के पास मिलो। ठीक है। तांत्रिक जी, आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही कुएं के ऊपर लकड़ी डालकर उसके ऊपर अच्छे से हरी घास बिछा दी है। अब तो ये पता नहीं चलता है कि यहाँ कोई कुआ है भी या नहीं। बहुत अच्छा, तुम इस कुएं के पीछे जाकर खड़े हो जाओ और चुड़ैल के आने पर घबराना नहीं। जी ठीक है। आधी रात बीत चुकी है, लेकिन चुड़ैल नहीं आई। कहीं उसे मेरी योजना की भनक तो नहीं लग गई? ये लड़का यहाँ क्यों खड़ा है? शिकार तो खुद चल कर आया है। चलो देखती हूँ। पता नहीं चुड़ैल आज मेरे साथ क्या करेगी। हे प्रभु, मेरी सारी योजना फेल हो गई। वो चुड़ैल तो पीछे से आ गई, और अब वो तो निखिल को पकड़ने वाली है। निखिल, भागो, तुम्हारे पीछे चुड़ैल है। ओ, 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 बचाओ, बचाओ, आ, बचाओ। तांत्रिक जी, चुड़ैल कुएं में गिर गई है, अब उसे खत्म करने का कुछ उपाय कीजिए। मैंने कुएं में गंगा जल डालकर उसे खत्म करने की योजना पहले ही बना ली थी। आप तांत्रिक ही नहीं बल्कि चतुर भी हैं। इस तरह चुड़ैल का अंत हो जाता है और गांव के लड़कों को चुड़ैल के डर से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।